कहानी 22वीं यूहन्ना रा जन्म। बीते समय परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं कने बात की थी, इत्ती वजह ते से लोका कने बात करी सके। इत्ते समय बाद 400 साल तक तिने तिस कने बात नहीं की थी। तब परमेश्वर ने जकरिया नामा रे भविष्य वक्ता गे एक स्वर्गदूत भेजा। जकरिया और तीसरी घरवाली एलिशिबा परमेश्वर जो बहुत मानना थे, से बहुत बूढ़े हुई गए थे और तिनारे कोई बच्चा नहीं था। तीस स्वर्गदूता ने जकरिया जो बोलिया, तेरी घरवालिया जो एक बेटा होना, तीसरा नाम तुसे यूहन्ना रखना। परमेश्वर तिसो पवित्र आत्मा कने भरगा और यूहन्ना लोका जो मसीह जो पाने खतर तैयार करगा। जकरिया ने बोलिया, आऊँ और मेरी घरवाली बच्चे पैदा करने जो बहुत बूढ़े है, मिंजो किया पता लगना भई तुसे सच बोलने लग रे। स्वर्गदूता ने जकरिया जो बोलिया, भई तंगे इस संदेशा जो बताने खतर मिंजो परमेश्वर ने भेजीरा, ते माँ पर यकीन नहीं कित्या। इत्ते खतर जब तक तेरे बच्चा नहीं हुंदा तब तक तू बोली नहीं पाना। तिस समय जकरिया री जुबान बंद हुईगी, तब से स्वर्गदूत तिथि दे चलेगा। तिते बाद जकरिया घरा जो वापस आएगा। अब तीसरी घरवाली पेटा ते थी। एलिशिबा 6 महीने पेटा ते थी, तब से स्वर्गदूत एकदम ही एलिशिबा रे रिश्तेदार आगे आया, जिसारा नाम मरियम था। मरियम अबू कुमारी थी और तिसारी सगाई यूसुफ नामा रे आदमिया कने हुई गई थी। स्वर्गदूता ने बोलिया, भई तू पेटा ते होनी और तेरे एक बेटा होना और तुसे तीसरा नाम यीशु रखना, से सर्वशक्तिमान परमेश्वर रा बेटा होना और तिने सदा राज करना। मरियमा ने बोलिया, भई ये किया होना, आऊँ तो कुमारी आई। स्वर्गदूत ने समझाया, भई पवित्र आत्मा तां पर आउनी और परमेश्वर री आशीष तां पर रहनी, इत्ते खतर से बच्चा पवित्र होना और परमेश्वर मरियमा रा पुत्र होना। ज्योति ने स्वर्गदूत बोलिया, तीते पर मरियमा ने विश्वास कित्या। तीसी समय मरियम एलिशिबा कने मिली। जिया ही मरियमा ने तिसा जो नमस्ते कीती, एलिशिबा रा बच्चा तिसारे पेटा च घूमया। तिन्या खतर परमेश्वर जो कित्या था, तीते खतर से दोनों बहुत खुश थी। एलिशिबा कने 3 महीने रहने ते बाद मरियम घरा जो आएगी। इत्ते बाद एलिशिबा ने अपने बच्चे जो जन्म दित्या। जकरिया और एलिशिबा ने तिस बच्चे रा नाम यूहन्ना रखिया, जेड़ा कि स्वर्गदूता ने बोलिया था। तिते बाद जकरिया बोलने लगेगा, परमेश्वर रा गुणगान हो, अब तिने अपने लोका री मदद करने जो याद रखिया और मेरे बच्चा तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर रा भविष्य वक्ता होना, तू लोका जो बतांगा बई से अपने पापा री माफी किया मंगी सकें।